दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वीएम टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियोस की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं वीएम टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा इन्वर्टर बनाने वाले हैं और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी, सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक बहुत ही छोटा ट्रांसफार्मर है और ये आपको किसी भी चार्जर में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास एक चार्जर का सर्किट बोर्ड है और उसमें भी आप एक छोटा सा इन्वर्टर, छोटा सा जो है ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। आपका कोई भी खराब हुआ हुआ चार्जर हो उसको बस आप खोले और आप ये ट्रांसफार्मर जो है वो निकाल सकते हैं। आपको ये चाहिए होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको जो BD 140 का ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये BD 140 का है, आपको ये बाजार में मिल जाएगा। और बस आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा और आपको ये सर्किट जो ये बनाना है, और मैंने सर्किट डायग्राम जो है वो वीडियो को लास्ट में दी है, तो आप ज़रूर से उसे फॉलो करें और आप भी छोटा सा इन्वर्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इन्वर्टर है ये बहुत ही छोटा होने के कारण हम उस पर ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप इसे बना कर देख सकते हैं कि कैसा वर्क करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये और ये हमारे जो इनपुट है और आप देख सकते हैं होल्डर में जो वायर जा रहे हैं वो आउटपुट है। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर के आप 4 पिन्स देख रहे होंगे, तो इन 4 पिन्स में आपको जो है एक साइड में 4 पिन है और एक साइड में जो है 2 पिन है, तो इन 4 पिन में आपको आपको देखना है कि आउटपुट कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से चेक करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 ओम पर मैंने जो है सिलेक्ट किया है, तो आपको भी 2000 ओम पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम जो है वो रेजिस्टेंस नापेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-6 आ रहा है और हम साइड के 2 पिन का रेजिस्टेंस अभी नापते हैं। आप देख सकते हैं 5-9 आ रहा है, तो इस साइड का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये जो है ये आउटपुट है, तो आपको इसी को बल्ब की वायर जो जोड़नी है। और साथ ही साथ आप सर्किट में देख ही लीजिए, अभी मैं आपको जो है वो एक बार चला के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए मैं अभी इसको चलाने के लिए, आप देख सकते हैं ये 3.7 वोल्ट का एक पावर बैंक का सेल है और इसको मैंने यहाँ पे टॉर्च में लगाया है और इसके जो आउटपुट है आपको मैं अभी चला के दिखाता हूँ। तो ये गया यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे मैं एक वायर जो जोड़ता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जो है ग्लो कर रहा है और अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मेरी बैटरी जो है वो कम चार्ज होने की वजह से आप देख सकते हैं ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आज की वीडियो में यही दोस्तों, और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने इन्वर्टर बना भी लिया और आपका इन्वर्टर जो है काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस जगह पर यहाँ पर जो है निगेटिव टर्मिनल जोड़ा था और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था। तो आप बस उसको उल्टा करके देखिए, पॉजिटिव को निगेटिव कीजिए और निगेटिव को पॉजिटिव करके देखिए, तब आपका इन्वर्टर जो वर्क करेगा। और ये जो कंपोनेंट है वो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे कहीं पर भी, ये तो आप घर पे ही मिला सकते हैं इसको ट्रांसफार्मर को, बस आपको चार्जर से निकालना है। तो आज की वीडियो में यही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।